यह है क्लास सिक्स इंग्लिश न्यू जेम्स रत्ना सागर वर्कबुक सॉल्यूशन ऑफ पोम मलाला। इस वीडियो में हम वर्कबुक का एक्सरसाइज को सोल्व करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर ए से। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड और फ्रेसिस इन दिस सेंटेंसेस विथ एक्सप्रेशन फॉर द बॉक्स। क्वेश्चन है यहाँ पर कि हमें यहाँ पर कुछ अंडरलाइन दिए हुए हैं, जैसे आप क्वेश्चन में देख रहे हो, इन क्वेश्चंस में जो अंडरलाइन वर्ड है हमें इन एक्सप्रेशन से रिप्लेस करने हैं। जैसे आप क्वेश्चन नंबर वन पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है मलाला यूसुफ़ज़ई इज़ एन इंस्पिरेशन ऑफ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड। यानी मलाला यूसुफ़ज़ई मिलियंस मतलब लाखों बच्चों के लिए एक प्रेरणादायक है ना, जो प्रेरणा देती है बच्चों को। और यहाँ पर इसी का अगर हम रिप्लेस करें तो न्यू वर्ड जो इनके सामने आया है, हमारे सामने मलाला यूसुफ़ज़ई इज़ अ रे ऑफ होप। अब देखो यहाँ पर रे ऑफ होप और इंस्पिरेशन में क्या सिमिलर हो गया। यहाँ पर एक इंस्पिरेशन है प्रेरणा के लिए कि हम प्रेरणा मिलती है उनसे, और रे ऑफ होप एक आशा की किरण। तो यहाँ पे आप देखोगे दोनों वर्ड बिल्कुल सिमिलर हैं, एक जैसे हैं। तो इसी तरीके से हमें सभी सेंटेंसेस में चेंज करने हैं। आप देखोगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने लिखा है क्लाउडेड विथ, और नेक्स्ट में लिखा हुआ है बैकबोन। देखो चीफ सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट की बात हो रही है, और यहाँ पे बैकबोन जो है वो भी हमें सपोर्ट देती है। तो इस तरीके से हमने सभी को सिमिलरली वर्ड्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है एरोगेंट, जो कि बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, और या फिर स्वेलन हेडेड, ठीक है, ये दोनों सिमिलर वर्ड हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट में है एक्सप्लोडिट्स, क्वेश्चन सिक्स में डांस लिखा है, क्वेश्चन सेवन ट्विलाइट, क्वेश्चन एट पुट ऑन होल्ड की जगह स्लीव्स। इस तरीके से क्वेश्चन ए कंप्लीट होता है। क्वेश्चन बी में पूछा हुआ है आइडेंटिफाई द राइमिंग वर्ड इन दिस लाइन्स फ्रॉम द पोएम मलाला, आल्सो टाइटल इस राइमिंग पैटर्न। अब देखो हमें यहाँ पे राइमिंग पता लगानी है, यहाँ पे जो लाइनें दी हुई हैं तो इसकी राइमिंग है। यहाँ पर मैंने राइमिंग पैटर्न और वर्ड्स भी लिखे हैं। वर्ड्स हैं फॉरबिडन हिडन राइमिंग वर्ड, और राइमिंग पैटर्न है ए ए बी बी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, ग्रामर स्टडी में रीड द कन्वर्सेशन। हमें यहाँ पे बातचीत, दो पर्सन्स के बीच में बातचीत हो रही है शायद यहाँ पे, तो उन की बातचीत को हमें रीड करना है। यहाँ पर व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस डज इट हैव, राइट ईच सेंटेंस अगेन इस टाइप। अब हमें यहाँ पे ये भी पता लगाना है कि ये किस तरीके के सेंटेंस हैं। क्वेश्चन देखो यहाँ पे है रंजीश मदर वॉल्किन, रंजीश वेयर यूर बेड सी आस्क, ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखेंगे हम डिक्लेरेटिव में कौन से हैं, इंट्रोगेटिव में कौन से हैं, इंपरेटिव में कौन से हैं, एक्सक्लेमेटरी में कौन से हैं। आप समझते हो डिक्लेरेटिव में क्या होती हैं, जिसमें एक बात कही जा रही हो या फिर कोई स्टेटमेंट हो या फिर कोई लॉजिक हो, ठीक है, लॉजिकल सेंटेंस हो। इसी तरीके से डिक्लेरेटिव में आ गया है नेक्स्ट डे रंजी वास एट कुमार सोप, रंजीश मदर वॉल्किन आई थिंक आई लेफ्ट इट इन द ग्राउंड। अब ये तो क्वेश्चन हो गया। आप आते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में आप देखोगे तो सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, रंजीश वंडर रंजीश वेयर यूर बैट, व्हाट्स द मैटर, हु इज योर लक्की बैट, सॉरी व्हाट इज योर लक्की बैट, कैन आई गो एंड फेच इट नाउ। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो सभी इंट्रोगेटिव में आते हैं। इंपरेटिव में यहाँ पे एक ही है फेच इट टुमारो, जिसमें ऑर्डर देते हैं या रिक्वेस्ट की जाती है। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी, जिसमें हमारी फीलिंग्स से हमें पता चलती है, जैसे यस द वन आई मेड ऑल, आई हैव लॉस्ट माई बैट, दोस रन्स विथ, हाउ सैड। इस तरीके से यहाँ पे देखोगे दोनों में फीलिंग्स पता चल रही है, तीनों सेंटेंसेस में, और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क भी यूज इनके साथ हो रहा है लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, रीराइट द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एज स्टेटमेंट। अब इनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हमें स्टेटमेंट में लिखना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिनमें कोई फीलिंग्स हमें पता चलती है, तो यहाँ पे देखो व्हाट अ वंडरफुल बैट, क्वेश्चन नंबर वन लिखा हुआ है, कितना सुंदर व्हाट अ वंडरफुल प्लान, कि कितना सुंदर और कितना अद्भुत प्लान है, तो इसको लिखेंगे स्टेटमेंट में इट इज़ अ वंडरफुल प्लान। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड है ओ दैट आई वर अ किड अगेन, आई विश आई वेर अ किड अगेन। इस तरीके से यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर फाइव तक सारे आंसर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है राइटिंग पोर्शन में, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है राइट आ 8-10 लाइन पोएम ऑन अ पर्सन हु हैज़ बीन एन इंस्पायर इंस्पिरेशन टू यू। हमें 8 से लेकर 10 लाइन लिखनी है एक पोएम
लिखनी है एक किसी पर्सन पर जो आपको इंस्पायर, जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलती हो। इट कुड बी एनीबडी, ये कोई भी हो सकता है, योर पेरेंट्स, योर टीचर, योर फ्रेंड, अ फेमस पर्सनैलिटी, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप कोई भी लिख सकते हैं, आपको जो मर्जी चाहे वो लिखिए, पर मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ तो ज़रूर दिया है, एक पोएम तो ज़रूर देनी थी मुझे यहाँ पे। यहाँ पे एक पोएम लिख दिया है यहाँ पे और टीचर के लिए, माई टीचर वॉज नॉट हाफ एस नाइस एस यू योर सीम्स टू बी, हिस नेम वॉज मिनिस्टर। देखो यहाँ पे पढ़ लेना, मैं पूरा पढ़ने वाला नहीं हूँ, इसको पूरे रीड नहीं करने वाला। तो यहाँ तक आप लास्ट देखोगे, ये लास्ट टोटल पूरा आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। और क्वेश्चन कंप्लीट होते ही यहाँ पे आपको बता दूँ कि इसके क्वेश्चन आंसर और आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी देखना है तो उसका वीडियो, उन वीडियो के लिंक का डिस्क्रिप्शन भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट पर जाकर, चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर सभी आंसर्स को देख सकते हैं या फिर चैप्टर्स को देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।